सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी रात का ही समय है और आज भी हमारे बेटा जी को बुखार आया है। करीब एक घंटा पहले का हम लोग दवा दिए हैं, शाम के टाइम भी दिए थे, दवा लेकर आया था तो दिया था। एक घंटा पहले भी दवा दिया गया था, कहीं फिर से सर बहुत तप रहा है बाबू का, तो जा रहे हैं थर्मामीटर से नाप कर देखने कि बुखार कितना है, ठीक है। उसके बाद सुबह में डॉक्टर के यहीं जाएंगे और बोलेंगे कि अच्छे से चेक कीजिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और बाबू का अच्छा से इलाज कराएंगे सुबह में। फिलहाल चलिए देखते हैं कि थर्मामीटर से अभी भी बुखार कितना है, क्या करेगा। इस परेशान है अभी से, थर्मामीटर देखते हैं किधर है। अरे दो अरे थर्मामीटर का कहाँ बा, कौन है छोटका में? इसी झोला में है थर्मामीटर। चलिए इस थर्मामीटर से नापते हैं। चालू है? यस चालू है। अब नाप कर देखेंगे, लो है अभी। मैं दो डलबो बाबू के मुँह में लगो ना मीटर डाल दा नापो ना, नाप ले मैं खा जाता। देखिए बस बाहर ही रखो, पूरा अंदर करबू तो मानी ना, तो कंखी में दाब दा। कितना दिखा रहा है? 97 दो 97 दिखा होता। बुखार बा 97 दिखा रहे हैं कि बुखार है। सो गाइस अभी तो 97 थर्मामीटर में दिखा रहा है, देख लीजिए। तो इसका मतलब कि बुखार है। कितना डाले तो बुखार आ रहे हैं दो, अब 97-98 रहता है तो मुझे ख्याल से बुखार नहीं रहता है, 100 रहता है तब समझिए बुखार है, 99 रहता है तो समझिए बुखार है। मतलब क्लियर पता नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि बुखार है। तो सुबह में नीदू को भी इलाज कराना है, बाबू को भी इलाज कराना है, और चलिए ज़िंदगी है जनाब, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। चलिए सुबह में भी आपको दिखाएंगे क्या होता है।